लगभग 10 सालों से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिसर्च संभालते हुए गौतम दुग्गड़ साहब है, और उनके पास 40 से ज़्यादा एनालिस्ट की टीम है, 17 से ज़्यादा सेक्टर्स आप कवर करते हैं, 225 स्टॉक उनकी कवरेज लिस्ट में शामिल है, और ख़ुद की उनकी बड़ी खासियत है FMCG स्टॉक्स पर और सेक्टर पर गहरी पकड़ रखते हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है फाइनेंस में IIM कोलकाता से, और साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री भी मुंबई से हासिल की है। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमने विशेष तौर पर आपको आमंत्रित किया है बजट को लेकर। तो सबसे पहले ये जानना ये चाहता हूँ कि दो, एक इकोनॉमी के लिहाज से और दूसरा बाजार के लिहाज से क्या कुछ होना चाहिए बजट में, क्या उम्मीदें हैं ये बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। जी सो बजट जहां तक इवेंट बन के रह गया है आजकल, अगर आप देखते हैं पिछले 8-10 सालों में, तो आपको दिखा होगा कि जो बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं गवर्नमेंट के, वो बजट के बाहर आते हैं, राइट? GST है, डिमोनेटाइजेशन था, IBC है, PLI रिलेटेड स्कीम्स है, जितने भी गवर्नमेंट ने कोविड के दरमियान जो पैकेजेस अनाउंस किए थे। सो आजकल जो बजट है उसका पहले जितना पॉलिसी के एंगल से हाइप बचा नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज बाजार में ये वोलेटिलिटी कम करता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट का मैथ्स है, बजट का जो एक मैथमेटिक्स होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा, जो फिस्कल डेफिसिट के अनुमान होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर होता है, पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि बजट के मैथ्स की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ी है। पहले होता था कि बजट के नंबर्स पे लोगों को थोड़ा कम विश्वास हुआ करता था कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है रेवेन्यू का प्रोजेक्शन करने में और कंजर्वेटिव है एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्शन करने में। इसलिए बजट के जो नंबर्स होते थे 5-6-7-8 साल पहले और जो एक्चुअल नंबर्स आते थे, उसमें बहुत अंतर होता था। हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट का जो बजट का मैथ्स है बहुत क्रेडिबल हुआ है। जो नंबर वो लेके चल रहे हैं उससे बेहतर आ रहे हैं रेवेन्यूज, टैक्स कलेक्शन काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है जो गवर्नमेंट के बजट एस्टिमेट में था। सो हमारे 2 या 3 जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस है बजट से, वही एक है कि इन्वेस्टमेंट को एक गति मिलनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिकली प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग को जो गवर्नमेंट ने पुश दिया है पिछले 3-4 सालों से, PLI के जरिए बोलिए आप या एक्सपोर्ट्स के जरिए जितने इंसेंटिव्स रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि इसको और एक बड़ा कैटलिस्ट मिलना चाहिए। और जहां जहां हमने एक अर्ली सक्सेस देखा है, जैसे कल हम न्यूज में पढ़े कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एप्पल ने लास्ट मंथ 1 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया इंडिया से। सो ऐसे जो एक अर्ली सक्सेस है, ये काफी एनकरेजिंग है। इसको गवर्नमेंट और ज्यादा पुश कर सकती है, इंसेंटिव्स के अमाउंट, जो पैकेजेस है, जो टाइमलाइंस है, उसको और आगे बढ़ा सकती है। दूसरा, हम चाहेंगे कि फिस्कल डेफिसिट में हमको कंजर्वेटिव रहना बहुत जरूरी है। ये साल जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है 6.4, वो आसानी से आ जाएगा क्योंकि रेवेन्यूज अनुमान से ज्यादा चल रहे हैं, और अगले साल भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फिस्कल कंसोलिडेशन होता रहे 40-50 basis points, जो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट है FY26 का ग्लाइड पाथ जो उन्होंने दिया है 4.5% फिस्कल डेफिसिट एज़ अ परसेंटेज ऑफ GDP का, उस डायरेक्शन में एक कदम और बढ़ना चाहिए। और तीसरा, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंजम्पशन में स्लो डाउन है इंडिया में पिछले 5-6 महीने से, स्पेशली रूरल में। सो मैं ये अनुमान करता हूं कि गवर्नमेंट ऐसे साल में जहां 8 state इलेक्शंस है और फिर अगले साल जो बड़ा जनरल इलेक्शन है, उसके पहले मिडिल क्लास बोलिए आप या बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड जो कंज्यूमर है, उसके हाथ में ज्यादा पैसा रहे, ऐसे कुछ पॉलिसी अनाउंस करना चाहिए। इट कैन बी थ्रू अ रिडक्शन इन टैक्स रेट, और टैक्स स्लैब को वाइडन कर सकते हैं। बेसिकली एंड कंज्यूमर के हाथ में थोड़ा सा पैसा ज्यादा बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो बाहर जाए और खर्चा करे, और फिर एक वर्चुअस साइकिल चालू होता है। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, कैपेक्स भी बढ़ता है, जॉब जनरेशन होता है, तो एक पूरा वर्चुअस साइकिल चालू होता है जब आप कंजम्पशन को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा 2-3 साल पहले जब हाउसिंग को लेके या रियल एस्टेट को लेके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट किया था, उसके बाद से मुंबई रियल एस्टेट में काफी एक तेजी आई थी। एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ स्टेट लेवल पे। सो इलेक्शन ईयर में हम जरूर आशा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कंजम्पशन के हिसाब से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा रहे,
ऐसे कुछ स्टेप्स अनाउंस करें। बिल्कुल, तो कुछ ये हमारे सिंपल एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल, तो कुछ टैक्स कट ऐसे हों या फिर एग्जेम्पशंस ऐसे हों जिससे लोअर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा ज़्यादा है और वो ज़्यादा खर्च कर पाएँ, कंजम्पशन रहे, और फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े तो आजकल रिलायबल होते ही हैं जैसा गौतम जी बता भी रहे हैं। तो ये बजट को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन बातें ये भी चल रही कि किसी तरह के टैक्सेशन में बदलाव हो सकता है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड टैक्सेशन में। आप भी कुछ ऐसी चर्चाएँ सुनते हैं सर चाय कॉफ़ी पर, और यदि हाँ तो आपका क्या व्यू है? बिल्कुल अनिल जी, पिछले 7-8 सालों से कि एक रूल बन गया है कि बजट से पहले ये एक हमेशा चर्चा चालू हो जाती है कि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाएंगे या इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। ये हर साल बजट के 15-20 दिन पहले से ये एक तरीके से रूमर्स या स्पेकुलेशन चालू हो जाता है। अभी पिछले 6-7 साल का अगर हम एक्सपीरियंस देखते हैं तो बेस्ट ये होगा कि सावधान रहे, इस पे कुछ स्पेक्युलेट करके फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चलना 1 फरवरी के पहले। अगर आता है और कुछ बेसिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेप होता है तो ऑब्वियसली उस दिन मार्केट रिएक्ट करेगा, और मान लो कोई बैड न्यूज नहीं है तो आज के तारीख में उसी को गुड न्यूज मान के चलते हैं, जैसे कि वो कहते हैं नो बैड न्यूज इज इक्वल टू गुड न्यूज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कुछ अनुमान, ऐसे कुछ मेजर्स गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेंगी, स्पेशली जब उनका टैक्स कलेक्शन इतना अच्छे से चल रहा है और इकोनॉमी में एक पॉजिटिविटी आई है, मैन्युफैक्चरिंग को लेके बोलिए, आप इन्वेस्टमेंट को लेके बोलिए या कैपेक्स को लेके। सो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि वो ज्यादा डिस्टेबिलाइज टैक्स रेट को ना करें और ये देखे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा कैटलाइज कर सकते हैं और कैसे कंजम्पशन को धीरे धीरे करके रिवाइव कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कैपिटल गेन टैक्स पर राय। गौतम सर ये बताएं कि फिर ऐसे में इस वक्त अगर निवेश करना हो तो कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है, ये जरा बताएं सर। तो अनिल जी, हमें 3 सेक्टर्स काफी अच्छे लगते हैं। सबसे पहला ऑब्वियस चॉइस है बैंकिंग, बिकॉज वही एक सेक्टर है जहां अर्निंग्स विजिबिलिटी, मुनाफे का जो विजिबिलिटी है आज कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉफिट को लेके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हैं रिजल्ट्स पिछले 3-4 दिनों से बैंकिंग सेक्टर के जो भी आए हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, कोटक, HDFC, सब ने एनालिस्ट के एस्टिमेट को बीट किया है। ICICI बैंक ने तो 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा प्रोविजन करने के बावजूद भी एनालिस्ट एस्टिमेट बीट किया है। सो ये एक सेक्टर अपने आप को खुद सिलेक्ट करता है, जैसे कि क्रिकेट टीम में होता है कुछ कुछ प्लेयर्स ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं, वैसे ही मॉडल पोर्टफोलियो या इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में बैंकिंग अपने आप को खुद सिलेक्ट कर लेता है। उसमें हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, वो पिछले 1.5 साल से PSU बैंक्स में रहा है, SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बेंचमार्क का वेट 2.8% है, हमारा वेट 7% है। दूसरा सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है IT सेक्टर। पिछले 1 साल से बहुत डिस्कशन हुआ है रिसेशन को लेके, US एंड यूरोप के स्लोडाउन को लेके, बट अगर आप अनिल जी IT सेक्टर के नतीजे देखे पिछले 3 क्वार्टर के, तो कंपनी से ये बात बिल्कुल सुनने नहीं मिल रही है। सो IT सेक्टर में ऐसा हो गया है कि जो कंपनी चला रहा है, जो मैनेजमेंट्स है, उनको छोड़ के सबको व्यू है रिसेशन पे US के, जबकि कंपनीज ने अपने गाइडेंसेस अपग्रेड किए और वैल्यूएशंस करेक्ट हुए। इन लोगों के कैश फ्लोज, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी भी बहुत उम्दा होती है। अगर आपको एक नंबर बताओ, पिछले 7 साल में FY15 टू FY22 टॉप 5 IT कंपनीज ने मिलकर 5,00,000 करोड़ का मुनाफा बनाया है, जिसमें से 3,80,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्टर्स को वापस दे दिया है डिविडेंड और बायबैक के थ्रू। तो ये सेक्टर हमें एक बहुत स्ट्रांग लगता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो उसमें हमको लार्ज कैप पसंद है, इंफोसिस, TCS, HCL टेक। और तीसरा सेक्टर, जैसे कि आपने कहा चर्चा के दरम्यान, कंजम्पशन हमें काफी अच्छा लगता है, जिसमें डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। अभी उसमें हमारे पोर्टफोलियो में टाइटन, जुबिलेंट फूडवर्क्स, मेट्रो, ऐसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी जिसे हम कहते हैं, जिनका मार्केट में लीडरशिप पोजीशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10-15 साल का मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी का, वो हमने पोर्टफोलियो में रखे हैं। इसके अलावा कंजम्पशन में जो स्टेपल सेगमेंट है, वहां हमारे पास ITC है, ब्रिटानिया है और गोदरेज कंज्यूमर है। मुझे लगता है कि 4 साल से ये स्टॉक्स टाइम करेक्ट हो रहे हैं, और इलेक्शन ईयर में अगर गवर्नमेंट पैसा ज्यादा डालती है कंज्यूमर के हाथ में, कुछ ये जो सेक्टर है स्टेपल्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवाइवल आपको दिख सकता है, साथ ही में आपके कमोडिटी प्राइसेस भी करेक्ट हो रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर हमें काफी फ्रॉम अ यू नो लार्ज कैप पॉइंट ऑफ व्यू या बड़े सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये अच्छा लगता है। फिर ऑटो है, कैपेक्स है, जिसमें LNT हमारा काफी बड़ा ओवरवेट रहा है। ऑटो में हम
मार्जिनल ओवरवेट है, ये 5-6 सेक्टर है सीमेंट पकड़ के जहां हमारा बुलिश व्यू है और मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट स्टांस है। ओके, तो पूरे विस्तार से आपको बताया गौतम जी ने कि किस तरह से बैंक, आईटी, कंजम्पशन और कैपेक्स से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। गौतम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और बजट पर हमारा दर्शकों को पूरा डायरेक्शन देने के लिए।